फिर से आपको अपने YouTube चैनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट 123 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से इस ऑफिशियल साइट पर विजिट कर पाएंगे। देखिए आ गए हैं माई भारत गैस, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, ये देखिए जो आपको देखिए यहाँ पर, अगर आपको सिलेंडर बुक करना है तो यहाँ सिलेंडर बुक कर सकते हैं, क्विक बुक एंड पे यहाँ से आप बुक करके पेमेंट भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी, अगर आपको नया कनेक्शन लेना है एलपीजी गैस का सिम नॉर्मली तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या आपको जो सब्सिडी है उसके लिए अगर जानकारी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, ज्वाइन पहल के तहत फीडबैक, मतलब आपने जो जो जानकारी चाहिए सिलेंडर से रिलेटेड वो आपको सारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। बाकी हर एक का ट्यूटोरियल मैं अलग से बना दूंगा, जैसे सिलेंडर बुक करना या पेमेंट करना, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है नॉर्मल वाले का, मैं सब कुछ आपको एक ट्यूटोरियल के माध्यम से इसके नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बता देंगे। देखिए आपको करना क्या है, नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, अब वो करना क्या है उज्ज्वला के लिए आपको आवेदन करना, तो यहाँ से आएंगे, ये देखिए आपको ये जो सेक्शन देखने को मिल रहा है उज्ज्वला बेनिफिशरी कनेक्शन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, सर्च डिस्ट्रीब्यूटर, अब लोकेशन वाइज यहाँ सर्च कर लीजिए, क्या करना है लोकेशन वाइज यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आना है, एक्सेप्ट करना है उज्ज्वला कनेक्शन, एक्सेप्ट किया, अब यहाँ से स्टेट, जैसे हमने ले लिया उत्तर प्रदेश, फिर से आना है डिस्ट्रिक्ट, अब जो कैंडिडेट हमारे पास आए हुए वो हैं फतेहपुर से, तो फतेहपुर, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर देखिए किसान गैस एजेंसी, RNHP गैस एजेंसी, जो भी हैं शारदा LPG, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, कहाँ से आपको लेना है, जो भी आपको लेना है वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसा कि मैं लेता हूँ, जैसे मान लो आपने किसान वाले से ले लिया, ठीक, किसान गैस एजेंसी, या आर्यन से ले लिया, मान लेते हैं इस पर हमने ले लिया मिस्टर श्रद्धा से, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, वेट करना है, देखिए ऊपर प्रोसेस चल रहा है, वेट करना, देखिए अब यहाँ से KYC के लिए एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ आना है टेक बिलो एड्रेस प्रोवाइड आधार, यहाँ से यस कर देना। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर 4312 4 आपको पूरा आधार नंबर फिल कर दें, OTP के माध्यम से गेट OTP जनरेट OTP क्लिक करेंगे, और जो OTP आएगी उसको OTP का एक ऑप्शन आएगा उस पर भर देना है। फिर इसका जो कैप्चर कोड, कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देना, फिल करने के बाद नीचे आना है, अब यहाँ पर देखो योर डिटेल वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पर क्या करना है जो मिस्टर मिसेज जो भी है, तो यहाँ पर जैसे हम लेते हैं मिसेज, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम भर देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन पे आना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर यहाँ पर आना है सिलेक्ट कास्ट, जैसे हम ले लेते हैं OBC, फिर नीचे आना है राशन कार्ड डिटेल, अब राशन कार्ड जारी कब हुआ था, जब आप राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे उस पर जारी दिनांक लिखो, सारी डिटेल उस पर लिखो, तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड जारी दिनांक, राशन कार्ड नंबर, या चेक कर लेने यहाँ डुप्लीकेट उसका जो भी चेक करना है, यहाँ से चेक डुप्लीकेट पे आप क्लिक करना है तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं डुप्लीकेट के लिए, ठीक है, आगे आना है। अब देखिए करेक्शन जो है एड्रेस पे क्या है, रूलर है अर्बन है शहरी है या ग्रामीण है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी आपका सेक्स, तो आप अगर रूलर हैं तो रूलर के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप अर्बन से हैं शहर से सिलेक्ट अगर हैं तो आपको शहर यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे हम ले लेते हैं रूलर, फिर आपको यहाँ पर आना है नीचे, अब आपको यहाँ पर हाउस नंबर जो आपका सिटी टाउन है वो भर देना है,
फिर आपको ईमेल आईडी कोई भी डाल देनी है, फिर एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, फिर यहाँ आना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस अगर मोबाइल नंबर है तो फिल कर दें, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नंबर, तो पहले यहाँ पर आधार नंबर डालना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आधार कार्ड जो है बैंक से लिंक होना चाहिए। आईएफएससी कोड डालेंगे, आईएफएससी कोड जो है उसको फिर से यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, ब्रांच का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे आप एफसी कोड डालें यहाँ पर ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर एक बैंक अकाउंट नंबर वाले सेक्शन पे आना, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर को री एंटर करके कंफर्म कर देना है, फिर यहाँ पर देखिए योर नेम एज बैंक अकाउंट, जो भी आपका नाम है बैंक अकाउंट में वो आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन डिटेल, कितने किलो, 14 किलो का लेना है या 5 केजी का चाहिए, सारा आपको देखिए 5 के लिए SBL है, और ये बॉटल वाला है जो छोटा सा बॉटल टाइप में आता है, जैसे कि आपने देखा होगा गैस सिलेंडर जो होता है लंबा होगा, वो बॉटल टाइप में होगा, ठीक है। फिर आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस, अब क्या दे सकते हैं यहाँ पर, आधार कार्ड दे दीजिए, सबसे मस्ट है आधार कार्ड, क्योंकि सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आपको यहाँ पर दे देना है प्रूफ के तौर पर। आपको जैसे क्या क्या दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वो भी लास्ट के 3 महीने का, पानी का बिल दे सकते हैं, या जो हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्री है वो दे सकते हैं, ठीक है। लेस जो लीज एग्रीमेंट है वो भी आप दे सकते हैं, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड है, लैंड लाइन टेलीफोन नंबर का जो बिल है वो दे सकते हैं, प्लॉट जो आपका लेटर है वो दे सकते हैं, LIC पॉलिसी दे सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन ओनली फॉर माइग्रेंट्स का आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आईडी जो भी आप दे रहे हैं, जैसे आपने आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पर आपको अपलोड क्या करना है, देखिए एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना, एड्रेस प्रूफ जो भी आप लगाए, जैसे आपने आधार कार्ड लगाया तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर उसका राशन कार्ड, ये आपको JPEG 25 KB में होना चाहिए, 25 से समझ लीजिए 350 KB के बीच में होना चाहिए, और ये जो फॉर्म है इसका PDF भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है, और गिफ्ट के रूप में भी हो सकता है, PNG भी सपोर्टेड है, ठीक है, जिप फाइल भी सपोर्टेड है, सारे यानी कि जो भी ये फॉर्मेट होता है फ़ोटो का, सारे फॉर्मेट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, आपको ये सभी यहाँ पर फिल कर देना जो है, अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखिए अब डिटेल फॉर जो ऑफ है, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर, अब यहाँ से रिलेशनशिप, जैसे अंकल आंटी जो भी हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि औरत के नाम ही होगा तो हम जैसे हस्बैंड का ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, जो भी हस्बैंड, उनका नाम भरें, उनका आधार नंबर भरें, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, फिर जो रीज़न फॉर आधार अवेलेबल, यहाँ पर देखिए जो है क्या है, सेपरेटेड आफ्टर मैरिज, जैसे आप हस्बैंड हैं तो फिर आप मैरिज के हिसाब से यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, और ऐड मेंबर अगर आप, और आपको जो भी मेंबर हैं उनको ऐड करना, तो आप यहाँ से ऐड मेंबर पर जाके अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, फिर आपको एक्सेप्ट, ये जो डिक्लेरेशन वो आपको दिख रहा है एक्सेप्ट कर लेना है, ऐसे सबमिट करके आपको फॉर्म को जमा कर देना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बाकी जो डिटेल की लिस्ट है मैंने आपको दिखा दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका लिंक मैं आपको, जो भी डॉक्यूमेंट है मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अपना डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।